लुक वाइज तो रेड कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा जिप दिया हुआ है जिसपे आप अपनी छोटी मोटी चीजें जैसे ब्रश वगैरह रख सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू जियो लाइफ। और आज दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं एक और बॉक्स का जिसमें है अमेरिकन टूरिस्टर का फोर व्हील्स ट्रॉली बैग। जियो लाइफ में आपको हम काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे ट्रॉली बैग जो कि बजट में हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वो दिखा रहे हैं। जनरली ये देखा गया कि लोकल जो शॉप्स वाले हैं काफ़ी हाई प्राइस में इसको बेचते हैं जो बजट से बाहर होता है, और साथ ही कुछ लोकल जो परचेज करते हैं लोकल ब्रांड के वो ख़राब निकलता है, उसके व्हील टूट जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये मदद करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाए हैं, होपफुली आपको अच्छे लगेंगे। और साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारे अच्छे और चीप प्राइस वाले ब्रांडेड ट्रॉली बैग्स के दे दूँगा। सो फिलहाल तो हम अनबॉक्सिंग करते हैं ये बॉक्स, और उठाते ही लग रहा है कि काफ़ी लाइट वेट है ये। 55 सेंटीमीटर का केबिन, यानी कि फ्लाइट में आप केबिन में इसको साथ में ले जा सकते हैं, केबिन साइज का बैग अमेरिकन टूरिस्टर का। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है। दिखने में तो काफी सेक्सी लग रहा है। प्रीमियम है अमेरिकन टूरिस्टर, और इसके व्हील भी हैं, दो दो व्हील लगे हुए हैं और थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें हर फोर व्हील है और इसका हिंज भी डिफरेंट है बाकियों से, और ये काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ही प्यारा लुक। साथ में आपको यहाँ पे जो लॉक है वो लॉक की पोजीशन भी काफ़ी सही है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा लाइट भी दिखा देता हूँ। इसमें आपको लॉक का जो पोजीशन है वो यहाँ ऊपर मिलेगा, जो काफ़ी कन्वीनियंट है और ये मूव नहीं करता है। साथ ही इसमें की के लिए भी एक जगह दी हुई है जिससे आप लॉक के पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं शायद, और ये जो जिप है यहाँ पे आके फंसेंगे। साथ ही आप यहाँ पे लीफलेट में देख सकते हैं कि इसकी MRP 9200 है, बट ये अभी 3500 रुपये में अमेज़ॉन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में मिला है, ग्रेट इंडियन सेल जो अभी चलता है दिवाली के समय में मिला है। तो फीचर्स के बारे में दिया गया है और इसमें हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। साथ में इसमें लिखा हुआ है क्वालिटी टेस्टिंग भी इसकी काफ़ी हुई है। और चलिए फिर आगे देखते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर हम देखें तो दिसंबर 2018 है, इसमें इम्पोर्ट हुआ है और मेड इन चाइना है। और ये 55 सेंटीमीटर का मॉडल नंबर, 3 ईयर्स वर्ल्ड वाइड वारंटी मिलेगी आपको इसमें। के लॉक को ओपन करते हैं दोस्तों, ये अब ओपन हो गया है। इसका जो लॉकिंग सिस्टम है मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने अभी तक के 7-8 जो ट्रॉली बैग लिए हैं उसमें सबसे बेस्ट लॉक है इसका। यहाँ पे एक लोगो भी दिया है जो इसको प्रीमियम लुक दे रहा है, और ये ओवरऑल लॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी ये 00 पे सेट है, हम देखेंगे इसका मैनुअल पढ़ के इसके लॉक को कैसे चेंज किया जा सकता है। और ये जिप का साइज़ है काफ़ी बड़ा है, तो इससे काफ़ी कन्वीनियंट होता है ओपन करने में, जैसा मुझे अभी खोलने पे लग रहा है। स्मूथ जिप है इसका, देखते हैं फिर खोल के। अंदर भी इसमें अच्छी खासी पैकिंग की गई है। कार्डबोर्ड की पैकिंग दी गई है और कार्डबोर्ड। और दोस्तों इसमें खास बात अब ये दिख रही है हमको यहाँ की, इधर भी आपको बैंड दिया हुआ है और ऊपर वाले कैप में भी बैंड दिया हुआ है। बैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये बैंड जो है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और उसका मैकेनिज्म भी अलग है बाकियों से, काफ़ी मजबूत बैंड है। अंदर की जगह देखें तो यहाँ पे इसका जो रॉड है वो अंदर आता है, वो यहाँ पे फील हो सकता है आपको। लुक वाइज तो रेड कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है,
साथ ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा जिप दिया हुआ है जिस पे आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें जैसे ब्रश वगैरह रख सकते हैं ट्रैवल के समय, तो आपको एक्स्ट्रा पाउच रखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इनोवेटिव है इसके लिए। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ देखें, ये है दोस्तों स्टॉपर पोर्शन जहाँ पे मैश में आप और भी सारी चीज़ें रख सकते हैं, और एक और जिप दिया हुआ है यहाँ पर, को कैप में ये सब मिलेगा। इसको आप जिप दिया हुआ है, इससे आप लगा सकते हैं, तो काफ़ी स्मार्ट इसकी डिज़ाइनिंग की गई है। जिप लगाने के बाद आप अंदर कपड़े रख सकते हैं और बाहर यहाँ छोटी मोटी चीज़ें दिख रख सकते हैं। मैश की वजह से आपको इजीली जो है क्या सामान रखा हुआ है ये देखने में आसानी होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप ये जिप खोलें, ऊपर वाला ये जिप खोल के आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं मैश वाले पोर्शन में, यहाँ में एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ये दिया हुआ है कि इसका लॉक का आप जो है कोड कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सेगमेंट मिलता है जो जिप से बंद हो सकता है, और इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे भी आपको बैंड मिलेगा उसी क्वालिटी का। तो मोर और लेस आपका दोनों साइड सेम है, बट ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सो आप कैसे भी अपने कपड़े रख सकते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट होगा। सो यहाँ पे लोगो अमेरिकन टूरिस्टर का, और ये टेक्सचर दिया हुआ है ताकि स्क्रैचेस ना आ पाए। ये पोर्शन थोड़ा सा डिप्रेस्ड है ताकि वहाँ पे स्क्रैच ना पहुँच पाए। सो ओवरऑल लुक वाइज और यूटिलिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, 3500 रुपये की रेंज में ये, और अगर साल के बाकी समय इसका रेंज ज़्यादा हो जाए तो ये 4000 तक भी बैग सही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी और आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी की गई है। हैंडल को देखते हैं, यहाँ पे अमेरिकन टूरिस्टर का लोगो है, को यहाँ दिखा दें, अमेरिकन टूरिस्टर का लोगो है। इसको ओपन करेंगे तो बहुत ही स्मूथली इसका जो हैंडल है वो निकल रहा है। यहाँ एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, काफ़ी स्टेबल है ये, बहुत ही अच्छा ब्रीफ ट्रॉली बैग है, मुझे लग रहा है अभी तक का सबसे अच्छा ट्रॉली बैग अगर मैं कहूँ मेरे पास है तो यही है। अमेरिकन टूरिस्टर की यहाँ पे भी ब्रांडिंग की गई है जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है, ये देखिए, और बहुत ही बढ़िया, काफ़ी तारीफ करनी होगी इसकी। दोस्तों अगर आप ये लेना चाहें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से ख़रीद सकते हैं। होल्ड करने से बहुत ही कन्वीनियंट फील होता है, ये वाला पोर्शन रबर है, ये प्लास्टिक है, तो बहुत ही वाइसली इसको डिज़ाइन किया गया है। ड्रॉबैक बस मुझे ये लगी अभी तक कि इसमें साइड में आपको हैंडल नहीं मिलेगा, बट 55 सेंटीमीटर के लिए ऊपर वाला भी जो हैंडल है वो सफिशियंट है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू, और आपको इस प्रोडक्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही आपको मैं लिस्ट दूंगा और लिंक्स दूंगा चीप और अच्छे और ब्रांडेड ट्रॉली बैग्स की। तो थैंक यू गाइस, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हैव अ ग्रेट डे।